ओए क्या कर रहे हो यहाँ कुछ पे? कुछ नहीं आती थी। हाँ वो पता है, बैठे हो। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। आप पहले बैठो। अरे बैठू क्या बैठू, मुझे टेंशन हो रही है यार। कितना मतलब ऐसा एकदम घाई गड़बड़ी में बोला कि यहाँ यहाँ आ जाना इतने इतने बजे। मैं आ गया, बताओ कब से बैठे हो यहाँ पे? आप वो सब छोड़ो, पहले बैठ जाओ। अच्छा ठीक है सर को। पागल लड़की, मैं कितना डर गया था पता है। मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रहे। क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है घर पे? सब ठीक? किसी ने कुछ बोल दिया? तबीयत ठीक है? क्या हुआ अचानक, किससे लड़ाई हो गई? नहीं, घर पे सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ कुछ तो क्या प्रॉब्लम नहीं, क्या है फिर आपको, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे इधर? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ वो सब छोड़ो, इम्पोर्टेंट बात होती रहेगी। इसी से रिगार्डिंग है या कुछ और रीजन है जो अभी बोलना नहीं चाहते? इसी से ही रिगार्डिंग है कुछ। बोलो किससे डर रहे हो इतना? मारूंगा नहीं आपको, मैं खाऊंगा नहीं, सीधा सीधा बताओ क्या हुआ है। वो एक्चुअल में क्या है ना कि उस रात जो हमारे बीच सब हुआ क्या मतलब, एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुम तुम्हारे एक्स के पास वापस जाना चाहते हो? क्या बोल रहे हो आप लोग। तो हमारे बीच जो कुछ हुआ तुम्हारा क्या मतलब है? तो बोलने तो दो मुझे, जल्दी बोलो ना, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरी माँ। बता रही हूँ हाँ तो बताओ, कितना अजीब सा फील हो रहा, पता भी है तुम्हें? ना। वो तो बताओ यार प्लीज, मेरे को टेंशन हो रही है। इतना क्यों हाफ रहे हो, अटक रहे हो, बोल दो जल्दी, क्यों डर रहे हो? सब कुछ ठीक है या नहीं है, मुझे क्लियर कट बताओगे तभी पता चलेगा ना। हाँ मैं वो डर रहा हूं इधर जान, सब कुछ ठीक है? बता रही हूँ ना। अब वो एक्चुअली मेरी जो गर्ल्स प्रॉब्लम है कोई। है नहीं कोई बीमारी हो गई फिर? जो गर्ल्स की प्रॉब्लम्स होती है ना, पीरियड्स? हाँ सीधा बोलो। हाँ वो तो वो मिस हो गई है। हाँ और हाँ, और क्या? और मुझे वॉमिटिंग भी हुई थी। तो तबीयत सही नहीं है, हॉस्पिटल चले? अरे अरे कुछ समझ ही नहीं। हम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। नहीं बट मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ऐसा कुछ। तुम डरो मत, हाथ दो मेरा, वो हाथ दो अपना, मेरे को हाथ दो अपना, डरो मत इतना, शांत गहरी सांस लो। सच है क्या, तुमने टेस्ट किया था कोई, या बस इसी से अंदाजा लगा लिया? हो सकता है कुछ गलत खा लिया हो, उसलिए वोमिटिंग हुई है, और पीरियड्स मिस भी शायद से हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ हो, है ना? तो वो हो जाएगा ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ कुछ तो यार वो सब बात हम दोनों के बीच होके हफ्ता हो चुका है, हफ्ते एक्चुअली दो, है ना? हाँ, तो इतना लेट पता चलता है क्या? मुझे क्या पता, मैं कि एक्सपीरियंस थोड़ी हूँ। यार ऐसा नहीं हो सकता यार, पता चलना होता तो 2-3 दिन में, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ही तो पता चल जाता है ना। वो फिल्मों में तो दिखाते हैं ना, वो रोमांस होता है, दूसरे दिन ही बच्चा मतलब न्यूज़ आ जाती है, तो ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता। तुमने गलत देखा है, कुछ गलत होगा। ना 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 ट्रस्ट मी, तुम्हारा पेट खराब है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? क्यों हॉस्पिटल अरे भेजूं? आपका पेट खराब होगा ना, थोड़ा फूड पॉइजनिंग वॉइजनिंग की बहुत सीजन चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, चेकअप करा के आ जाते हैं नॉर्मल। अगर कुछ और नहीं हुआ तो जो मैं सोच रही हूँ तो कुछ नहीं होगा ट्रस्ट मी, नहीं। अगर कुछ और ऐसा हुआ तो मुझे डर लग रहा ट्रस्ट मी। है। नहीं
आप नहीं सुनोगे ना मेरी? मुझे कुछ नहीं समझ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान, मैं बता रहा हूँ सच्ची कुछ नहीं होगा। आप इतने नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो? आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है क्या? किस बात का डर भाई? अगर ये जो डाउट मुझे है वो सच हुआ तो? मेरे पे भरोसा नहीं है आपको? ऐसा नहीं है, मैं बस बोल रही हूँ। ऐसा कुछ हुआ तो आप एक काम करो, मैं आपको कह रहा हूँ हॉस्पिटल चलते हैं, इससे अच्छा बेस्ट आइडिया नहीं है, ठीक है? अगर देखो, मैं आपको क्या लगता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी फट नहीं रही है, मैं डबल डर रहा हूँ तुमसे, ठीक है? अभी बेस्ट आइडिया है हॉस्पिटल चलते हैं, या तो सिंपल वो होता है ना टेस्टिंग का, वो यूज कर लो, उससे पता चल जाएगा, ठीक है? पक्का? और नहीं तो क्या? ठीक है, क्या ठीक है? टेस्ट करके देखे क्या? और कोई रास्ता ही नहीं है, तुमने ऐसी चीज खड़ी कर दी ना मेरे सामने, मेरे को घंटा नहीं समझ रहा, मेरे को टेंशन अलग से हो रही है यार। हम दोनों के बीच मानता हूं ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन यार मुझे याद है ना, मुझे पक्का सब कुछ याद है क्या क्या हुआ था। तो जहां तक मुझे पता है, मेरे पे भरोसा कर लो बस, मैं बोल भी नहीं सकता यार ऐसी चीजें आपके सामने। अब आप डरो मत यार, अगर आप सच्ची प्रेग्नेंट हुए तो हम क्या करेंगे? मैं तो नहीं समझ रहा मुझे क्या क्या करेंगे हम। अबॉर्शन? क्या हम पागल हो गए क्या? क्या वी बोल आर रहे? अनमैरिड, पता है ना क्या बोलेंगे लोग, तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, सोचा है कभी? दिमाग मत खराब करो मेरा। कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने आपको सबमिशन के लिए बुला रहा था, ऐसे बात कर रहे हो? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर हुआ तो? हुआ तो हम दोनों मिलके सहेंगे, ठीक है? ठीक है, रोना बंद करो, ये आंसू नहीं पसंद मुझे, कितनी बार बोलूं? अगर सच हुआ तो आप छोड़ोगे तो नहीं ना मुझे? मैं क्यों छोड़ूंगा, पागल हो तुम? तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा क्या, इसका मतलब? हाँ क्या करना चाहिए? रोना बंद, मेरी तरफ देखो, ऐसे नीचे देख के क्या हो जाएगा, इधर देखो, इधर पास आओ, पास आओ, और पास। आई लव यू, आई लव यू टू। पास आओ थोड़ा और। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ दूंगा? होता है यार, डाउट हो जाता है इसे भी, क्या समझ क्या करूं, कुछ नहीं समझ रहा, क्या बोलूं, कुछ नहीं समझ रहा मुझे। रोना बंद करो, शांत, एकदम शांत, गहरी सांस लो। अब ठीक लग रहा है? मैं आपको वादा करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आई प्रोमिस, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, चाहे ये बात सच हो या झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साथ में हैंडल करेंगे, फिर चाहे जैसे हो, ठीक है? सच में? ठीक है। और मुझे नहीं पता ये सच है या आपका बस वहम है, क्योंकि पीरियड्स मिस हो गए, वोमिटिंग हो रही है, अगर ये सब कुछ सच है भी तो आई प्रोमिस,
जैसे मैं कहता आया हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगा तो आई विल, ओके? और हमारे घर वाले? भाग जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, अभी अभी मेरा जॉब चेंज हुआ है तो मुझे सब कुछ मैनेज करना है। सो प्लीज अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? शादी वादी का देखेंगे, ठीक है? ओके ओके, शांत हो जाओ। भरोसा करते हो मेरे ऊपर? बहुत ज्यादा। तुम्हें लगता है क्या मैं तुम्हें चीट करूंगा? कभी नहीं। और अगर चीट करूंगा मैं ना, सीधा पुलिस के पास चल जाना कि यही था वो। फिर मैं झूठ भी बोलूंगा तो वो डीएनए टेस्ट वेस्ट करा लेंगे तो पकड़ा ही जाऊंगा मैं, ठीक है? चुप करो। जैसे ये रोते रोते स्माइल कर रही हो ना, वैसे खुल के करो। ही करो। नहीं आ रही है। आपने ना मुझे जोकर बना रखा है साला, चाहे खुद पे भी कितनी भी बीत रही हो, हंसाना आपको ही पड़ता है। कभी आप भी एफर्ट कर लो मेरे लिए हंसाने के। मुझे कैसे? कैसे क्या? देखो स्माइल करो एक बार, छोटी सी। नहीं स्माइल करो। छोटी स्माइल करूं क्या? हाँ चलेगा। ठीक है। हाँ ही देखो मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई आपको देख के। ऐसे भी स्माइल करा सकते हो बाय द वे आप मुझे, ठीक है? ठीक है। और हाँ मुझ पे भरोसा कर मेरी मैया, मैं नहीं छोड़ के जा रहा, ठीक है? ट्रस्ट मी प्लीज, आई ट्रस्ट यू। ठीक है? हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, ओके? ओके, डन। डन। चलो ऐसी बात पे एक पप्पी कर दो, यहाँ पे गाल पे। इधर उधर क्या, चुपचाप से करो, इधर उधर मत देखो। मानता हूँ हम अभी पब्लिक प्लेस पे, पर यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं है, सो इट्स ओके। ये टाइम में कोई नहीं आता, शाम में आएंगे सब। सुनो ना, क्या? अपना ध्यान रखो। अभी हम मेडिकल चलते हैं, मैं आपको सामान दे देता हूँ, आप घर जाके चेक कर लो, ठीक है? ठीक है। फिर मुझे बताना, डन? हाँ। आई लव यू। आई लव यू टू। जाओ आप, चलो चलते हैं। ठीक है। मैं आपको छोड़ दूँ? सुनो मेरी वजह से ये सब हो रहा है ना आपकी लाइफ में। नहीं, ऐसे क्यों सोच रहे आप? वो गिफ्ट का है आपके नेक पे, अब दिख नहीं रहा मुझे। जल्दी जल्दी में पहना नहीं, सॉरी। जल्दी जल्दी में पहना नहीं, नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, चले चले चलो साथ। पगली उठो आराम से, ध्यान रखा करो यार अपना। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो ना, बहुत मारूंगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो, हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज़ कर दिया करो। और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।